काशी स्थित ज्ञानवापी के सर्वे पर चल रही बहस के बीच में झांसी के मड़िया महादेव कॉरिडोर की चर्चा भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां ज्ञानवापी पर दो पक्ष आमने सामने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मड़िया महादेव कॉरिडोर के लिए एक मुस्लिम युवक ने ही नक्शा बनाकर झांसी के विधायक को भेज दिया, जिसकी मदद से यह कॉरिडोर बनवा सके। एक रवि शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि साल 2013 में उनके पास कन्नौज जेल से एक चिट्ठी पहुंची थी। चिट्ठी के साथ ही एक नक्शा भी था। नक्शे पर मड़िया महादेव पर जो भी अतिक्रमण किया गया उसको दर्शाया गया था। एक ने बताया कि कन्नौज जेल में बंद मोहम्मद यूनुस उर्फ बबलू कमांडर ने वहां उपलब्ध संसाधनों की मदद से मड़िया महादेव का नक्शा बनाया था। शुरुआत में तो हम लोगों ने सिर्फ एक छोटे से हिस्से को ही अतिक्रमण मुक्त करवाया, लेकिन जब नक्शे को ध्यान से देखा गया तो कॉरिडोर के बारे में सोचा गया। शर्मा ने कहा कि आधार पर ही मड़िया महादेव कॉरिडोर की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई है, वो स्वीकार कर लिया गया। फाइल तैयार हो गई है। अधिकारियों से कहा गया है कि वह स्थल का निरीक्षण करें। उम्मीद है कि जल्द ही मड़िया महादेव कॉरिडोर का काम शुरू हो जाएगा। कॉरिडोर के बनने में मोहम्मद यूनुस का योगदान अतुलनीय होगा।